सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अपने सब्जियों को। इसके लिए मैंने लिया है कैरेट, क्योंकि विंटर में मिलती है बहुत सारी सब्जियां और हम बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी हेल्दी सैलेड। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सर्कल सर्कल सैलेड कट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं ऐसा कोई कटिंग नहीं करूँगी जो आप नहीं कट कर पाएँ, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल कटिंग करेंगे। उसके बाद कुकुम्बर हम कट करेंगे। कुकुम्बर वैसे मैंने चाइनीज़ कुकुम्बर दिया है, एक देसी कुकुम्बर आता है, जो कुकुम्बर आता है आप यूज कर सकती हैं। तो इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से सर्कल सर्कल इसको हम कट कर लेंगे। नाइफ़ आप जो चाहें, जिसे आप इजीली तरीके से कट कर ले वो नाइफ़ आप यूज कर सकती हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम नाइफ़ कौन सा यूज़ करें या मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। आप जिस नाइफ़ से कट करती हैं वो इजीली तरीके से आप यूज़ कर सकती हैं। ये है बीटरूट। बीटरूट खासतौर से बड़े बड़े साइज़ में होते हैं, तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ में भी छोटे साइज़ निकाला है। तो बीटरूट हम ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा सैलेड है वो थोड़ा मल्टी कलर का रहे तो ज़्यादा बेटर लगे। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है कैबेज। कैबेज को भी इस तरह पतले पतले हम कट कर लेंगे, बहुत ही बारीक बारीक, क्योंकि जहाँ सैलेड और हेल्थ का बात हो और कैबेज ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कैबेज को मैंने इस तरह कट कर लिया है, देखिए बिल्कुल महीन महीन। और उसके बाद इसको और रफली चॉप कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे जो प्लेटिंग हम करेंगे वो कुकुम्बर से करेंगे। ये फुल प्लेटिंग आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से शेप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुकुम्बर के जगह पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे अनियन रख सकती हैं, टोमेटोज रख सकती हैं, बीटरूट रख सकती हैं, या कैरेट रख सकती हैं, जो आप खाना पसंद करें यहाँ पे आप अरेंज कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे कुकुम्बर ऐड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह करके अरेंज कर लेंगे। क्योंकि प्लेटिंग अगर फिनिशिंग आप अरेंज करेंगे प्लेट को, तो आपका जो डेकोरेशन है बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे साइड में मैं ऐड कर रही हूँ कैरेट। ये देखिए, सेम उसी प्रोसेस में इसको भी हम अरेंज करेंगे। देखिए, हर सब्जियों को मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें सब्जियां चेंज करके अपने पसंद का जो सब्जी आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकती हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैबेज। कैबेज मार्केट में दो तरह के आते हैं, पर्पल और वाइट। तो यहाँ पे मैंने अभी वाइट कैबेज ही यूज़ किया है, पर्पल कैबेज मैंने यूज़ नहीं किया है। ये देखिए, यहाँ पर रखेंगे बीटरूट। ये देखिए, हो गया ना सैलेड का प्लेट, कितना यूनिक, कितना सुंदर। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया मैंने। अब ये चीज़ खाली लग रहा है, तो यहाँ बीच में हम रखेंगे कुकुम्बर, क्योंकि बीच में आप रोज़ भी रख सकती हैं टोमेटोज के। लेकिन रोज़ अगर आपको बनाना नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। तो ये देखिए सैलेड का प्लेट कितना प्रिटी लग रहा है। थोड़ा सा डिज़ाइन इसमें डालने के लिए, क्योंकि सैलेड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे हम चिल्ली।